वेलकम टू आवर चैनल एआर ट्यूबर। मैं हूं अब्दुल रहमान और आज हम बात करने वाले हैं मैक्रोमैक्स की फोन के बारे में। जी हां, आप लोगों ने सही सुना भाई, मैक्रोमैक्स कहां से आ गया। तो आपको पता है कि इंडिया और चाइना के बीच में वॉर चल रही है और इसी बीच काफ़ी इंडियन कंपनी उठने की कोशिश कर रही है, जैसे कि मैक्रोमैक्स। मैक्रोमैक्स वो इंडियन ब्रांड थी जो कि हमें कोई दूसरी फ़ोन को अपना ब्रांड चिपका करके बेचती थी। तो आपको पता है कि मैक्रोमैक्स पहले काफ़ी धमाल मचाता था अपने फ़ोन्स को लेकर के, पर वो एक वक्त आया कि मैक्रोमैक्स डूब गया। तो अब फिर से लीक्स आ रही है कि मैक्रोमैक्स फिर से अपने फ़ोन को लॉन्च करने वाला है। पर हाल ही में लीक्स आई है कि वो 3 फोन्स एक साथ लॉन्च करेगा, जिसमें से 2 फ़ोन जो होगा वो एंड्रॉयड होगा और एक फ़ोन जो है फ्यूचर फ़ोन होगा। तो एंड्रॉयड फ़ोन वो क्या ही मैक्रोमैक्स की तरफ से होगा, इसके बारे में कुछ खास लीक्स तो नहीं है। बस यही है कि उसमें जो प्रोसेसर होने वाली है वो G35 और G25 वाली होने वाली है। और ये जो फ़ोन होगा ये आपके एक अफोर्डेबल प्राइस में होगा, मतलब लो प्राइसिंग में होगी, जैसे कि 7,000-8,000 समथिंग। तो आपको इस प्राइसिंग में मैक्रोमैक्स फ़ोन प्रोवाइड करेगा, और जो कि आपके डेली यूज़ के लिए फ़ोन होगा, कुछ खास गेमिंग वाली फ़ोन नहीं होगी। वो एक ऐसी फ़ोन बनाने वाला है जो कि आपके पेरेंट्स लोग यूज़ कर सकें, लाइक व्हाट्सअप वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह। खास ज़्यादातर आप उसको हार्डली यूज़ नहीं कर पाएंगे, बस नॉर्मली यूज़ के लिए। तो यही थी मैक्रोमैक्स की तरफ से लीक्स कि मैक्रोमैक्स 3 फ़ोन लॉन्च करने वाला है। तो क्या आप एक्साइटेड हैं मैक्रोमैक्स की फ़ोन लेने के लिए, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो भाई मुझे तो लगता है कि मैक्रोमैक्स अगर फ़ोन लाएगा, और जैसे कि हाल चल रही है देश में, आपको पता है कि इंडिया और चाइना के बीच में क्या ही चल रहा है, तो हमें भी सपोर्ट करना चाहिए कि हमें इंडियन प्रोडक्ट ही बाय करना चाहिए। शाओमी, रियलमी, ये सारी प्रोडक्ट तो आपको पता ही है कि चाइना से ही आती है। आशा करते हैं कि हम अपने देश को सपोर्ट करेंगे और इंडियन प्रोडक्ट ही चूज़ करेंगे। तो पहले आप ये बताएं कि आपको अगर इंडियन प्रोडक्ट में से कुछ लेना हो, जैसे फ़ोन्स लेना हो, तो आप कौन सी ब्रांड के लेंगे, जैसे कि मैक्रोमैक्स या फिर अदर्स कंपनी, जैसे कि सैमसंग या फिर एसोस, ये सारी जो कंपनी हैं, इन सारों में से जैसे कि नोकिया कौन सा लेना पसंद करेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैक्रोमैक्स की जो लीक थी मैंने आपको बता दी कि वो एक फीचर फ़ोन लाने वाला है और 2 एंड्रॉयड फ़ोन, एक स्मार्टफोन जो कि होने वाला है, जिसमें G35 और G25 वाली प्रोसेसर होने वाली है। तो ये दोनों प्रोसेसर जो कि नए ही हैं, मीडियाटेक का जो G35 प्रोसेसर है वो रियलमी C11 में यूज़ हो चुका है। तो अब जो हो सकता है कि मैक्रोमैक्स भी इसी प्रोसेसर को यूज़ करे। मीडियाटेक ने सस्ते में इस प्रोसेसर को लाया है जो कि G35 है, मतलब कि मीडियाटेक की जो प्रोसेसर होती है वो सस्ती ही होती है, पर ये जो G35 वाली प्रोसेसर है वो और भी सस्ता है, तो इसलिए मैक्रोमैक्स इसे यूज़ करने वाला है और G25 भी। तो भाई आपको बता देते हैं कि फ्यूचर फ़ोन कैसा होगा। फ्यूचर फ़ोन आप लोगों को पता ही है कि कैसा होता है, वो एक कीपैड वाला होता है, जैसे कि बटन वाली फ़ोन, जैसे कि जियो फ़ोन 2, ये सब तो उसी टाइप की मैक्रोमैक्स की भी फ़ोन होगी। और स्मार्टफोन तो आपको पता ही है कि हमें एक एंड्रॉयड स्क्रीन मिलेगा और अच्छी खासी बैटरी और कैमराज वगैरह, यू नो। यही थी मैक्रोमैक्स की लीक्स और जो मैंने आपको बताई। तो मुझे लगता है वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को ग्रे कर दें और थम्स अप बटन को ब्लू कर दें, यानी कि लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं, आपको अपडेट करते रहते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स बताते रहते हैं और अनबॉक्सिंग और रिव्यूज़ वगैरह करते रहते हैं। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है।